दो शब्द हैं, पाप और पापी। पाप एक प्रवृत्ति है और पापी उस प्रवृत्ति को करने वाला है। तो हमारा एपिसोड यह है कि हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, पाप से घृणा करनी है। ये हम धीरे धीरे इसका विस्तार करेंगे। पाप किसे कहा जाता है? बुराई करने को पाप कहा जाता है। दूसरे को कष्ट देना, झूठ बोलना, हिंसा करना और परिग्रही बनना, अब्रह्मचारी बनना और लोगों के साथ मिसबिहेव करना, लोगों को चीटिंग करना, धोखा देना और प्रताड़ना देना, पर्यावरण को बिगाड़ना, पर्यावरण का दोहन करना और अपने पड़ोसियों के साथ के अंदर बुरा बर्ताव करना, परिवार के सदस्यों के साथ में क्रोध करना और जो अपने मातहत हैं उन लोगों को इन्फीरियरिटी की दृष्टि से देखना, ऐसी असंख्य असंख्य जो है वो बातें हैं, वो पाप कहलाती है। यानी मोटे तौर से जो हम दो क्लासिफिकेशन करें कि एक तो जो है वो अच्छाई और एक बुराई। जो अच्छाई का पलड़ा है वह हमारा पुण्य है और जो बुराई का पलड़ा है वह हमारा पाप है। एज यू सो सो विल यू रीप इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर। जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा व्यवहार करोगे उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका पौधा होगा और वैसा ही फल होगा। इसीलिए हमें ये चिंतन करना है कि हमको कौन सा कार्य करना है जिससे कि हमें सुख मिले, आनंद मिले, शांति मिले और सुकून मिले। उसके लिए हमें पाप की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। पाप और पुण्य जो है ये दोनों, पाप एक बड़ा वटवृक्ष है जिसको मोह का वटवृक्ष कहते हैं। वटवृक्ष इतना होता है, इतना फैल जाता है कि उसकी टहनियां टहनियों में से टहनियां टहनियों में से टहनियां और कितने पत्ते विकसित हो जाते हैं, बड़ का पेड़ है जैसे, ये वटवृक्ष हो जाते हैं। तो मोह का जो वटवृक्ष है वो सब पाप का वटवृक्ष है, वो सब बुराइयों का वटवृक्ष है। और उधर जो है पुण्य का वटवृक्ष है वह जो है अच्छाइयों का वटवृक्ष है। बुराइयां और अच्छाइयां दोनों एक साथ साथ रहती है, उसका डिमार्केशन करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों की सरद मिली हुई है और ऐसा कहा जाता है कि हमारे हृदय के अंदर अच्छाई और बुराइयां कौरवों और पांडवों की तरह युद्ध करती रहती है। जैसे कि कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसी तरीके से बुराइयां और अच्छाइयां हमारे हृदय में हर वक्त लड़ती रहती है। इनका स्ट्रगल चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, क्योंकि इसकी कोई डिमार्केशन नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छाइयों पर जीत प्राप्त कर लेता है, यानी अच्छाइयां बुराइयां पर जीत प्राप्त कर लेता है, तो वह व्यक्ति अच्छा बन जाता है और बुराइयां हावी हो जाती है तो वह व्यक्ति बुरा बन जाता है, वह व्यक्ति पापी बन जाता है। अब देखिए, पापी वह होता है जो पापकारी प्रवृत्ति करता है, पापकारी एक्टिविटी करता है, पापकारी जो है कार्य पद्धति करता है, उसको पापी कहा जाता है। अब देखिए, हमने पाप की बात कही और करना वाला पापी कहलाता है, लेकिन वो पाप क्यों करता है? हमें थोड़ा गहराई में जाने सोचना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कौन से कारण हैं जिससे कि व्यक्ति पाप करता है। सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं होता है कि पुण्य क्या होता है, पाप क्या होता है, पाप करने से मेरी दुर्गति होगी, पाप करने से मेरी प्रतिष्ठा गिरेगी और पाप से मेरे कर्मों का बंधन होगा और मैं 84 लाख जीवा योनि में हमेशा हमेशा भटकता रहूंगा और बड़ा पाप करूंगा तो नारकी के अंदर चला जाऊंगा। इसका कोई ज्ञान नहीं रहता है, वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के पाप करता है। और दूसरा है लोभ। कई बार व्यक्ति लोभ के लिए पाप करता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को फंसा देते हैं, जैसे कि आतंकवाद। ये बहुत बड़ा पाप है। 1, 2, 4, 5 आतंकी जो है वो पूरे शहर को हिला देते हैं,
पूरे देश को हिला देते हैं और पूरा वो नजर बंद कर देते हैं उस एरिया को, क्या फ्लाइट को, क्या पब्लिक प्लेस को, क्या कि लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते उसके भीतर, और इतनी दहशत हो जाती है, उस दहशत के अंदर कई लोग मर जाते हैं और दहशत के कारण कईयों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और आजकल क्योंकि हमारा ग्लोबलाइजेशन है, हमारा इंटरनेट का युग है, तो वो बात पूरे विश्व के अंदर फैल जाती है कि किस प्रकार 2-4-5 आतंकियों ने मिलकर के इतने बड़े शहर के इतने बड़े सिक्योर्ड पब्लिक प्लेस को दहशत फैला दी है, चाहे बॉम्बे के अंदर हुआ हो, चाहे फ्रांस में हुआ, और होते ही रहते हैं। तो ये क्या बुराई है, ये पाप है, ये कौन है? कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो व्यक्ति को परचेज करते हैं, लोभ देते हैं, लोभ में दे करके और ऐसे जवान लड़कों को आतंकी बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथियारों से लैस करते हैं लोभ के वशीभूत होकर के। और तीसरा ये होता है तिरस्कार के वशीभूत होकर। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपराध में क्यों जाता है कि उसका परिवार उसकी केयर नहीं करता, परिवार उससे नफरत करता है, समाज उससे नफरत करता है, घरवाली उसकी पत्नी उससे नफरत करती है, बच्चे उससे नफरत करते हैं, तो उसके पास के अंदर कोई रास्ता नहीं बचता है, तो अपराध की दशा में चला जाता है, चोरी की दशा में चला जाता है, दुष्टता की दशा में चला जाता है और व्यक्ति पाप करने लग जाता है, वो पापी बन जाता है। तो ये कारण जो हो गया उसका तिरस्कार की वजह से। और उसके बाद अगला कारण है अभाव। कई बार क्या होता है कि बहुत से इस दुनिया में ऐसे लोग हैं, दुनिया में नहीं हिंदुस्तान में कहा जाता है कि 50% लोग बिलो पॉवर्टी जी रहे हैं आज भी। बहुत से हमारे भाइयों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती, वो फुटपाथ पर सोए रहते हैं। तो बताइए, तो वो लोग जो है ना वो क्या करेंगे जिनको 2 जून की रोटी नहीं मिलती है? तो वो लोग क्या जो है अभाव के कारण जो है पाप करने लग जाते हैं, बुराई करने लग जाते हैं, अपराध करने लग जाते हैं, और ऐसी चीजें हमारी समाज जो मान्य नहीं करता है वो चीजें करने लग जाता है। तो ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं पाप करने के।